आप सभी का स्वागत है क्यूस्टिक क्लिनिक के YouTube चैनल पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपके साथ अपने पेशेंट्स की हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी से लेकर उनकी पर मंथ की प्रोग्रेस रिपोर्ट शेयर करते हैं। अब तक हम आपको अपने बहुत से पेशेंट के रिव्यूज, उनके एक्सपीरियंसेस दिखा चुके हैं और आज फिर हम लौट कर आए हैं अपने एक और अमेजिंग पेशेंट के साथ, जो आए तो हमारे क्लिनिक पर एक पेशेंट की तरह ही थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी सर्जरी के बाद का टाइम बीता वो क्यूएचटी क्लिनिक की फैमिली में शामिल हो गए। सर्जरी के दौरान पेशेंट के एक्सपीरियंस कैसे रहे और ओवरऑल उनको क्यूएचटी क्लिनिक में कैसा फील हुआ, आइए पेशेंट से जानते हैं। मेरा नाम चंदन कुमार है, मैं मोतिहारी बिहार से हूँ। मेरा एज 23 है और मेरे हेयर लॉस लगभग 2 साल पहले से हो गया था। मैंने 2-3 क्लिनिक पे दिखाया, मैंने वहाँ पे भी मैंने कुछ दवा भी ली, लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला। मुझे अच्छा लगा, यहाँ का एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगा और यहाँ के जितने भी स्टाफ लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं, बहुत अच्छे हैं। एक अपनापन सा लगा उसमें और जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। कुछ सालों से वो हेयर लॉस फेस कर रहे थे और ये हेयर लॉस बढ़ते बढ़ते नॉर्वुड ग्रेड 5 की बॉल्डनेस तक पहुंच गया। उनकी हेयरलाइन पूरी तरह से रिसीड हो चुकी थी और ग्रेड 5 की इस बॉल्डनेस की वजह से पेशेंट के टेम्पल्स भी रिसीड हो गए थे और ये बॉल्डनेस फ्रंटल हेड से लेकर मिड स्कैल्प तक विजिबल थी। अब ऐसी सिचुएशन में पेशेंट को अपनी हेयर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में नजर आया और फिर उन्होंने अपनी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए किसी ट्रस्टेड क्लिनिक की सर्च करना स्टार्ट की और ये सर्च क्यूएचटी क्लिनिक पर आकर खत्म हुई। हमारे एक्सपर्ट से मिलकर हमारे पेशेंट के मन में इस सर्जरी से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे वो भी दूर हो गए और अब हमारे पेशेंट बिल्कुल रेडी थे अपनी इस अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के लिए एक न्यू हेयर लाइन डिजाइन की, जो कि पेशेंट के ग्लैबुला पॉइंट से 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर मार्क की गई थी। इस हेयर लाइन को पेशेंट के फेशियल फीचर्स और एज के अकॉर्डिंग ही मार्क किया गया था। क्यूएचटी क्लिनिक में हेयर लाइन को पूरी तरह से नेचुरल रखने के लिए बहुत ही केयरफुली इसे डिजाइन किया जाता है, क्योंकि ये हेयर लाइन ही फ्यूचर में हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के रिजल्ट्स पर इफेक्ट डालती है। हेयर लाइन जितनी नेचुरल दिखेगी, सर्जरी उतनी ही सक्सेसफुल मानी जाएगी। अब तक पेशेंट की सर्जरी को 2 मंथ्स बीत चुके थे और पेशेंट अपने फर्स्ट बीआरपी ट्रीटमेंट के लिए क्लिनिक पर आए थे। सर्जरी के बाद कुछ महीनों तक पेशेंट्स शेडिंग विटनेस करते हैं और ऐसा ही हमारे इन पेशेंट के साथ भी था। सेकेंड मंथ में पेशेंट के ट्रांसप्लांटेड जोन को एग्जामिन करने पर हमने देखा कि पेशेंट की 90% शेडिंग हो चुकी थी और ये एक पॉजिटिव न्यूज थी, क्योंकि जितनी जल्दी ये शेडिंग फेज ओवर होगा, ग्रोथ भी उतनी ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगी और पेशेंट के लिए इससे अच्छी खबर और क्या हो सकती थी।
सो पेशेंट अपने शेडिंग फेज को लेकर भी काफी पॉजिटिव और रिलैक्स्ड थे। सर्जरी के 7 मंथ्स के बाद पेशेंट की हेयर ग्रोथ अमेजिंग दिखाई दे रही थी। अब आप खुद सोच सकते हैं, जिस जगह पर कभी बॉल्डनेस का कब्जा था, अब वहां पर हेयर ग्रोथ नजर आ रही थी। ये हमारे पेशेंट के लिए किसी मिरेकल से कम नहीं था। उनको क्यूएसटी क्लिनिक में आने से पहले कभी नहीं लगा था कि वो इस तरह की हेयरलाइन और हेयर ग्रोथ फिर से देखेंगे, लेकिन क्यूएचटी टेक्निक और हमारे सर्जन्स ने पेशेंट के लिए ये कमाल कर दिखाया था। सर्जरी के 12 मंथ्स बाद ये कहना मुश्किल था कि पेशेंट कभी ग्रेड 5 की बॉल्डनेस से सफर कर रहे थे। न्यू हेयर स्टाइल के साथ नए कॉन्फिडेंस की चमक पेशेंट के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। पेशेंट का डोनर एरिया भी अब बिल्कुल अनडिटेक्टेबल था। उनके ट्रांसप्लांटेड हेयर इतनी खूबसूरती से उनके एग्जिस्टिंग हेयर के साथ मर्ज हुए थे कि ये कहना बहुत मुश्किल था कि पेशेंट ने कभी भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था। अगर आप भी ऐसी ही किसी डर्मेटोलॉजी या हेयर प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो क्यूएचटी क्लिनिक से कांटेक्ट कीजिए। और इससे पहले अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे थम्स अप देना ना भूलें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारी नेक्स्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।